मेरे पास भी ये आपके लिए है और ये आपको देखना भी चाहिए, इसलिए देखना चाहिए क्योंकि ये डीजी लॉ एंड ऑर्डर का खत है। कहते हैं ना कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हाँ। ये देखिए, ये किसके सिग्नेचर है, किसका नाम है और ये तमाम एविडेंस, तमाम एविडेंस। एक सेकंड सर, पहले आप ये बताइए ना, ये लॉ एंड ऑर्डर जो बताया जा रहा है कि मूवमेंट पीएम के गाड़ी की हो सकती है, मूवमेंट हो सकती है, तो क्या इस मूवमेंट को लेकर तैयारी नहीं की गई? सर मैं आपको बता दूं, और अगर इतना कुछ है तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्यों? मैं बता रहा हूं सर, आप मेरा जवाब ले लीजिए। 4 तारीख को होम मिनिस्ट्री द्वारा चिट्ठी लिखी गई चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब को, और उसमें ये बताया गया कि ये रास्ते होंगे, और उस समय जो पूरा प्रोटोकॉल था वो आईबी द्वारा, उनके एसपीजी द्वारा, रॉ द्वारा संचालित किया जा रहा था, उसमें राज्य सरकार की कोई भी भूमिका नहीं थी। तो आखिर राज्य सरकार उसमें क्या करे? राज्य सरकार को केवल और केवल पुलिस और पुलिस की सुरक्षा बल वहां प्रदान करनी थी। 7,000 की संख्या में पुलिसकर्मी वहां पे मौजूद थे और उनका पूरा का पूरा संचालन एसपीजी द्वारा किया जा रहा था। जब कल चन्नी आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, जी 10,000 कहा था, तो 50,000 आपने बढ़ा दिया आते आते। नहीं, 7 मैं बोल रहा हूँ, 7,000 पंजाब सरकार द्वारा, फिर उसको भी हरियाणा सरकार द्वारा। और दूसरी चीज ठीक है, मुख्यमंत्री आपके कोविड पे थे, अगर बीजेपी को सियासत करने का मौका मिल रहा है तो मैं कह रहा हूँ कि चूक कहाँ हुई? डीजीपी साहब कहाँ थे सर? डीजीपी कोई प्रोटोकॉल में उनका वो नहीं है, वो नहीं देखिए मुख्यमंत्री के, जब अगर वो उपस्थित नहीं है तो उप मुख्यमंत्री को वहां होना चाहिए। तो कहां थे वो? और उप मुख्यमंत्री वहीं पे थे। डीजीपी प्रोटोकॉल में हिस्सा है, मुझे लगता नहीं, है आपको फिर नहीं, से वहां स्वागत करने की मैं बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ की बात कर रहा हूँ, में व्यवस्था होती है, डीजीपी को रहना होता है। आप मेरी बात सुनिए, मैं स्वागत करने की बात किया हूँ, जो आप सरकार की तरफ से बात कर रहे हैं, और डीजीपी साहब वहां पे मौजूद थे, उन लोगों का पूरा संचालन हो रहा था और आईबी द्वारा वो संचालन हो रहा था। आप आईबी से पूछिए क्यों नहीं जांच कराते हैं, 24 घंटा हो गया से, क्या बीजेपी वाले आप शांत हो जाएंगे? नहीं, नहीं शांत होंगे, मुझे पता है, मुझे तो पता है कि ये शांत नहीं होने वाले। इन्होंने नाटक रचा है, इसीलिए नाटक रचा है कि बीजेपी ने नाटक रचा है, इसी को आगे बढ़ाना है, वो शांत नहीं होने वाले। बीजेपी ने नाटक रचा है, डीजीपी और भी नहीं गया, मैंने पहले ही बोला था। और तो और इनके आयुक्त वहां से जो होते हैं प्रदेश के, वो भी नहीं गए। इन लोग का प्रोटोकॉल होता है, और मुख्यमंत्री तो क्वारंटाइन थे, फिर भी आप पीसी के समय वो मास्क नहीं लगाए थे। आखिर आप बताइए पुलिस कहाँ पे थी? पुलिस वहां पे थी, वहां आखिर सरकार का जो लोग रैलियों में जा रहे थे। आप पे तो आरोप लगा रहे हैं ना, सीधा सीधा कि आप चुनाव में फायदा लेना चाह रहे हो। हर समय नरेंद्र मोदी जी कभी भी मास्क नहीं लगाते हैं, आप उनका सवाल करिए। नाटक नहीं थे, ये तैयार हो 70,000 की भीड़ में 720 हुई थी। नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री उनको हेलीकॉप्टर से जाना था, जो हमारे राष्ट्र के लिए प्रधानमंत्री होता है वहाँ पे। मैं पहले ही बोल दी, अगर कांग्रेस के मनमोहन सिंह होते, अगर उनके साथ भी होता तो भी हम लोग बोलते। इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, 2013 में छत्तीसगढ़ में सुकामा में एक घटना हुआ, जहाँ पे कांग्रेस के बड़े बड़े 27 नेता जो है वो मार दिए गए, और भारतीय जनता पार्टी की उस समय सरकार थी। पर क्या उस समय प्रोटोकॉल में हम लोगों ने ये आरोप लगाया था? कहीं ना कहीं चूक हो जाता है तो वो घटना हुई और वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनी। चूक हुई, मान लीजिए चूक हो गई, हमारे यहाँ चूक नहीं है। हाँ। अरे भाई, पहले मैं कह रहा हूँ कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन्होंने विरोध करने का काम किया, हम कह नहीं हुए वहाँ जब हत्या हुई है तब आप अपनी गलती नहीं लेते हैं। फिर मैं आपको थोड़ा और अपडेट कर दूं सर, आप जो हेलीकॉप्टर प्रोटोकॉल था, साथ ही साथ मौसम विभाग को लेकर भी दूसरी प्रोटोकॉल भी फॉलो होती है। मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा।